सोमवार को मथुरा जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में ग्रामीण क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए स्मार्टफोन वितरित किए गए। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित रही जिला विकास अधिकारी और भाजपा की जिलाध्यक्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को फोन देकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। बाल विकास परियोजना मथुरा के द्वारा आज यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र की आंगनबाड़ियाँ हैं उनको आज यहाँ स्मार्टफोन वितरित किए गए और जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ उपलब्ध कराए गए। और जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कहना है कि भारत को एक आत्मनिर्भर बनाना है, तो आज जो जितनी भी आंगनबाड़ी महिलाएं हैं मथुरा की, अब तक ये जो रजिस्टर और कॉपियों में काम करती थी, अब उन्होंने स्मार्टफोन के माध्यम से वो अपने कार्य को भी गति देंगी। तो आज ये कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष मधु शर्मा मौजूद रहीं और मथुरा के जो मथुरा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं पन्नालाल गौतम जी मौजूद रहे और मथुरा के जिला विकास अधिकारी सुधा कुमारी मौजूद रही हैं और जिला कार्यक्रम अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं मिश्रा जी। तो आइए मधु शर्मा जी से जानते हैं कि सरकार की जो सरकार ने अब तक जो घोषणाएं की उनको आज वो धरातल पर उतार रही हैं, तो कैसा लग रहा है आज आपकी पार्टी ने ये आंगनबाड़ियों को भी स्मार्ट बना दिया? देखिए, मुझे तो बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जो काम कहा था उनको करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज आंगनवाड़ी बहनें भी हमारी डिजिटल हो गई हैं और उनको देखिए, घर में एक फ़ोन होता है तो उनको अपने बच्चे को अगर क्लासेस कर रहा है तो फ़ोन से दिक्कत आती थी, एक फ़ोन से आज उनका उनके पास पर्सनल फ़ोन है तो उस फ़ोन के माध्यम से उनकी जो भी योजनाएं हैं या जो उनको रिपोर्टिंग करनी है वो भली भांति कर पाएंगी। और सबसे बड़ी बात, मुख्य बात यह है, सारी बहनें बहुत एक्टिव और स्मार्ट हैं लेकिन आज वो स्मार्टफोन को चलाएंगी, उसका यूज़ करना सीख जाएंगी। तो मुझे लगता है कि जब ये बहनें खुद इतनी डिजिटल हो जाएंगी तो निश्चित तौर पे महिला अपने परिवार की केंद्र बिंदु होती है तो वो फैमिली भी डिजिटल हो जाएगी। पन्नालाल जी, क्या कहेंगे आज आपके ब्लॉक के अंदर जो आंगनबाड़ी है उनका ये कार्यक्रम हुआ, आपने खुद उन्हें स्मार्टफोन दिया है, तो सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो कहा था कि डिजिटल इंडिया बनाना है, योगी जी ने उसमें सहयोग किया और आज वो उनका जो सपना था वो साकार हुआ है, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरे ब्लॉक मथुरा ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ये जो है डिजिटल फोन वितरित किए जा रहे हैं। हमारे इस परियोजना के अधिकारी भी आज उपस्थित हैं। और क्यों, मैं विगत 5-6 वर्ष से मथुरा ब्लॉक का पूर्व में प्रमुख था, अभी मैं प्रतिनिधि हूं, तो मैं बड़े लंबे 6 वर्ष से करीब ये आंगनवाड़ियों कार्य अपने मथुरा ब्लॉक में देख रहा हूं। अब इनके पास ये अभाव था, गाँवों में जाती थी, विधिवत सूचनाएँ नहीं दे पाती थी, आज ये सारे फोन में सब चीज़ ये अपना फीड करके रखेंगी, अपने उच्च अधिकारियों को भी अपनी समस्याएं बता दिया करेंगी, गांव में जाने में कोई परेशान है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई घटना हो जाती है तो वो सूचना भी मुख्यालय को, पुलिस स्टेशन को आराम से दे दिया करेंगी। और कम्युनिकेशन जो गैप था वो अब समाप्त हो गया। और इसके अलावा क्योंकि मध्यम वर्ग से आंगनबाड़ी आती हैं तो इनके बच्चे भी, क्योंकि स्कूल 2 वर्ष से कोरोना में बंद हैं तो इनके बच्चे ऑनलाइन जो पढ़ाई होती थी वो कम इसे मोबाइल के माध्यम से होती थी, तो बहुत से परिवारों में भी इस मोबाइल का भी अभाव था, तो आज इनके बच्चों को भी ऑनलाइन पढ़ने के लिए इस मोबाइल से सुविधा होगी। तो ये अच्छा है, आज इन्हें बता दिया गया है कि अच्छी तरह से काम ये कर रही हैं, अधिकारी भी हमारे रुचि ले रहे हैं, चाहे गर्भवती महिलाओं की योजना चल रही है, इनका एक जो गोद भराई प्रोग्राम चलता है वो भी चल रहा है, और एक वो मुख्य प्रशासन योजना है बच्चों की, जब खाना शुरू करता है तो उस समय भी ये अन्न प्राय वो भी ये लोग मैंने देखा पिछली बार से, तो बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार की हैं, अब इनका सफल संचालन हो, हमारे अच्छे अधिकारी हैं यहाँ के, परियोजना अधिकारी सब बढ़िया हैं और अच्छा चल रहा है, तो और मैं यही कामना करता हूँ के और इनका मानदेय भी बढ़ाए तो अभी अच्छी तरह से काम करेंगे और गांवों की गरीब लोगों को ये पोषाहार अच्छी तरह समय समय मिलता रहे। देखिए, मेरे साथ मौजूद हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अभिनव कुमार मिश्रा। तो पूरी ये क्या योजना है, मथुरा में कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ हैं, कितनों को ये स्मार्टफोन मिला और इसका किस तरह से अब वो प्रयोग कर पाएंगी, बताएं मिश्रा जी। जनपद में 2086 स्मार्टफोन आए हैं और अभी कार्यरत जो आंगनबाड़ियाँ हैं वो हैं 1961 कार्यकर्त्रियाँ हैं, तो अभी 1961 कार्यकर्तियों के लिए स्मार्टफोन वितरण हो रहा है और इसमें करीब करीब हमने 1300-1400 के आसपास स्मार्टफोन बांट दिए हैं।
कुछ ब्लॉक्स में जो दूर के ब्लॉक्स हैं, नौझील, नंदगांव, वहाँ पे अभी हमारा प्रोसेस चल रहा है। हम इसको जल्दी ही इसी सप्ताह हम पूरे जनपद में वितरित कर देंगे। अच्छा, इसका उपयोग क्या होगा, जिससे कि उनका जो कार्य है उसको किस तरह से वो संपन्न करा पाएंगे और उसमें क्या परिवर्तन आएगा, क्या गति आएगी? हाँ, देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें पोषण ट्रैकर ऐप है। इसके थ्रू ये लाभार्थियों का डेटा वगैरह फीड कर देंगी, रजिस्टर के भार से मुक्त हो जाएंगी और डिजिटली जैसे हमारे जो कुपोषित बच्चे हैं उनका भी समय समय पर मॉनिटरिंग हम लोग भी अधिकारी वर्ग भी कर सकेंगे। और इससे क्या है कि पारदर्शिता रहेगी और योजनाओं का जो उद्देश्य होना चाहिए कि निश्चित व्यक्ति तक जो पहुँच होना चाहिए वो जरूर तकनीक के रूप से सार्थक करने का एक कार्यक्रम है। आपने मिश्रा जी ने बताया कि इसमें पारदर्शिता आएगी और जो कार्य में समय लगता था, महीनों में जाके होता, उसको बहुत कम समय में भी ये पूरा करेंगे। तो आइए उन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से भी बात करें, आज कैसा लग रहा है उन्हें ये स्मार्टफोन लेकर। और देखिए, मथुरा जनपद की वो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं जो अब स्मार्टफोन लेकर आई हैं। गैलेक्सी कंपनी का M02 फ़ोन मिला है और काफ़ी अच्छा है। ये सैमसंग कंपनी का फ़ोन है और ये आज इन्हें दिया गया है। आइए इनसे जानते हैं कैसा लग रहा है। आपका क्या नाम? फूलवती नगला मोर सिंह। कौन से गांव से हैं आप? नगला मोर सिंह। हाँ, तो आप स्मार्टफोन मिला, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। इसको कैसे प्रयोग करना है, कैसे यूज करना है, कौन सा ऐप डालना है, वो सब जानकारी है? नहीं, अभी नहीं, अभी जानकारी मिलेगी। हाँ, इससे क्या क्या काम करेंगे आप? सर, पोस्टार का काम करेंगे, गोदवराई की रिपोर्ट देनी है, उसकी फोटो डालना है, सब काम इसी से होंगे अब ऑनलाइन। आपका शुभ नाम? रीना जी। आप कौन से गाँव से हैं? नरौली से जी। कैसा लग रहा है स्मार्टफोन? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इससे सीखेंगे और अपना काम करेंगे, इसी से सब रिपोर्ट वगैरह सब अपने। आपका शुभ नाम? कामिनी अग्रवाल। कहाँ से हैं आप? वृंदावन जी। कब से आंगनबाड़ी है आप? 11 साल हो गए, 11 साल जी। अब ये जो फोन मिला है, इससे आपको कितना काम करना आसान होगा? बहुत ज्यादा आसान होगा जी। पहले क्या परेशानी आती थी? फीडिंग वगैरह की करनी पड़ती थी जी। यस, लेकिन अब इससे बिल्कुल आप अपडेट रहेंगी। पहले तो आप घर पे हैं, बता दिया चली गई, लेकिन आप तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, अब नहीं होगा। लोकेशन रहेगी आप? यस। अच्छा लग रहा है? यस। देखिए, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ स्मार्टफोन पाकर खुश हो रही हैं क्योंकि आज उनके हाथ में भी वो स्मार्टफोन आ गया और उन्होंने बताया कि इससे उन्हें सबसे बड़ी सहूलियत ये मिलेगी, जो काम उन्होंने रजिस्टरों में कई कई जगह फीडिंग करनी पड़ती थी और उसको लेकर फिर ऑफिस जाना, अधिकारियों तक पहुँचाना, अब वो सारा काम अपने मोबाइल फ़ोन पर करेंगी। और जो बाल विकास और पुष्टाहार की योजना है, पुष्टाहार का वितरण है आंगनबाड़ी जो केंद्रों पर जो बच्चों को करते हैं और गर्भवती महिला आदि को करते हैं, तो उसका पूरा डेटा रहेगा। इसमें पारदर्शिता भी रहेगी और सरकार का जो काम है जो पहले महीनों में होता था वो अब जल्दी चंद दिनों में पूरा होगा। तो इसको लेकर सरकार ने जो अपनी योजना बनाई थी आज पूरी तरह से साकार होती दिख रही है। और मथुरा में जैसा बताया 1900 से अधिक आंगनबाड़ियाँ हैं और सभी को यह दिया जा रहा है और 2-1 दिन में ये पूरा हो जाएगा और सब तक वो पहुँच जाएंगे। उसके बाद जो इसमें जो पुष्टाहार ट्रैकर ऐप है वो उसके माध्यम से उन्हें पूरी तरह से एक तरह से ट्रेंड किया जाएगा कि किस तरह से उन्हें इसका प्रयोग करना है। Zee9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन संदीप कुमार वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।